जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 ए खत्म होने के बाद से ही पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। कश्मीर में अशांति न फैले इसलिए मोदी सरकार ने स्थानीय नेताओं को नजरबंद कर दिया था, लेकिन नजरबंदी खत्म होने के बाद भी ये लोग घाटी को अशांत करने में जुटे हैं। इन राजनीतिक दलों को अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि अब दोबारा कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपनी राजनीति करने के लिए अनुच्छेद 370 की मांग पर अड़े हुए हैं। खबरों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कश्मीर में तथाकथित आतंकियों से भी मुलाकात कर रहे हैं ताकि फिर से घाटी को अशांत कर मोदी सरकार को बदनाम किया जाए। वहीं अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि उन्हें और उनके परिवार को नजरबंद कर दिया गया है। उनके मुताबिक फारूक अब्दुल्ला को भी नजरबंद कर दिया गया है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुछ तस्वीरें भी ट्वीट की है जिसमें उनके आवास के बाहर पुलिस की गाड़ियां दिख रही हैं। उमर ने ये भी आरोप लगाया है कि उनके घरों के नौकरों को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। उमर ने एक और ट्वीट में लिखा कि चलो आपके लोकतंत्र के नए मॉडल का मतलब है कि हमें बिना कुछ बताए हमारे घरों में कैद कर दिया जाए, लेकिन हमारे घरों में काम करने वाले स्टाफ को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उधर बीते दिनों पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी दावा किया था कि उन्हें नजरबंद कर लिया गया है। उन्होंने कहा था कि अतहर मुश्ताक के परिवार से मिलने जाने से पहले उन्हें घर में बंद कर दिया गया। बता दें कि कथित आतंकी अतहर को बीते साल सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था, लेकिन महबूबा आतंकी के परिवार से हमदर्दी जताने चली गई थी। कुछ ऐसा ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है कि आखिर इन नेताओं की नजरबंदी की सच्चाई क्या है या फिर से नजरबंदी का झूठा दावा कर रहे हैं। देश में जारी किसान आंदोलन के आड़ में भारत के खिलाफ रची गई साजिश का खुलासा दिन पर दिन होता जा रहा है। हाल ही में ग्रेटा थनबर्ग द्वारा जारी किए गए टूलकिट मामले में साइबर सेल टीम ने बेंगलुरु से दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे अदालत में भी पेश किया गया जहां उसने कई बातों की पुष्टि की है। दिल्ली पुलिस ने अदालत में यह दावा किया कि दिशा रवि ही इस टूलकिट की मुख्य एडिटर थी। मामले में उन्हें मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। बता दें कि बेंगलुरु से गिरफ्तार दिशा रवि को दिल्ली की अदालत ने 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इस बात का दावा किया है कि दिशा ने ही यह टूलकिट मशहूर एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के साथ साझा की थी। हालांकि बाद में सोशल मीडिया पर ग्रेटा को टूलकिट डिलीट करने को भी दिशा ने ही कहा था। आरोपी ने 3 फरवरी को कथित तौर पर टूलकिट को एडिट किया, साथ ही इस मामले में कई अन्य लोग भी शामिल हैं। पुलिस ने अदालत को रवि का मोबाइल फोन भी बरामद किए जाने की सूचना दी है। इतना ही नहीं, पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि दिल्ली पुलिस की साइबर केस के द्वारा गिरफ्तार दिशा रवि टूलकिट के एडिटर और डॉक्यूमेंट बनाने और उसके प्रसार में मुख्य साजिशकर्ता हैं। उन्होंने टूलकिट बनाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और उनके साथ उसके करीब से काम किया था। इस प्रक्रिया में उन्होंने भारत के खिलाफ असंतोष फैलाने के लिए खालिस्तान समर्थक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ मिलकर भी काम किया था। दिल्ली पुलिस के इस दावे पर दिशा रवि को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन देखना यही है कि पुलिस ने जिन दूसरे लोगों के इस मामले में शामिल होने की आशंका जताई है, क्या वो किसान आंदोलन में ही शामिल कुछ लोग हैं या फिर किसान आंदोलन की आड़ में विदेशी खालिस्तानी संगठनों द्वारा भारत को बदनाम करने की साजिश अभी भी जारी है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 80 दिनों से किसान आंदोलन जारी है, लेकिन लगातार उठ रहे सवालों की वजह से किसान आंदोलन की जमीन भी कमजोर होती जा रही है। किसान आंदोलन अब फेल होता जा रहा है। किसान अब टिकैत के अड्डे को छोड़कर अपने घर लौटने की पहल कर रहे हैं तो राकेश टिकैत उन्हें अपने झांसे में फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल लोगों को अब समझ में आने लगा है कि टिकैत उन्हें गुमराह करके विपक्ष की राजनीति चमका रहे हैं। आंदोलन तो किसानों के नाम पर शुरू हुआ था, लेकिन अब टिकैत विपक्षी नेताओं के इशारों पर मोदी विरोधी माहौल बना रहे हैं। ऐसे में लोगों ने अब राकेश टिकैत से दूरी बनानी शुरू कर दी है। यही वजह है कि टिकैत बेचैन हो गए हैं और लोगों को रोकने के लिए उन्हें एसी का लालच दे रहे हैं ताकि सभी आंदोलनकारी उनके साथ जुड़े रहें। दरअसल राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान आंदोलन होगा और चलता रहेगा, चाहे गर्मी हो या बरसात। गर्मियों में बॉर्डर पर जनरेटर लगाए जाएंगे और जिस तरह गांव-गांव से पानी आया है उसी तरह डीजल भी गांव-गांव से आएगा। बॉर्डर पर किसान एसी और कूलर में सोएंगे। आंदोलन स्थल ही हमारे घर हैं। सरकार हमें बिजली के कनेक्शन दे, नहीं तो हमें मजबूरी में यहाँ जनरेटर लगवाने पड़ेंगे। सरकार ने किसानों की राह में जो कीले गाड़ी हैं, उन्हें निकाल कर ही जाएंगे। हम दिल्ली के मेहमान हैं।
आएंगे जाएंगे और खेती का काम भी होगा। सरकार बात करेगी तो हमारा संयुक्त मोर्चा भी बात करेगा। अब राकेश टिकैत किसानों से वादे तो खूब कर रहे हैं, लेकिन इन वादों को लेकर सवाल यही है कि किसान आंदोलन को फंडिंग कौन कर रहा है, जिसके दम पर टिकैत लोगों को लालच दे रहे हैं, जिसकी जांच सरकार को करनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ ये किसान सादगी भरे आंदोलन का हवाला दे रहे हैं, तो वहीं राकेश टिकैत इसी में किसानों को बिठाने की डींगे हाँक रहे हैं। ऐसे में किसान आंदोलन के नाम पर फायदे उठाने वालों की पोल सरकार कब खोलती है, ये देखना लाजमी होगा। किसान आंदोलन की आड़ में अभी तक तो उपद्रवियों और देशद्रोहियों का साथ देकर विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने में जुटा था, लेकिन अब विपक्ष ने दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध करके देश के खिलाफ होने का सबूत पेश कर दिया है। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी दिशा रवि के समर्थन में आ गई है। उन्होंने दिशा की रिहाई की मांग की है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की मानो नींद उड़ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे दिशा कांग्रेस की पोल खोलने वाली है। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि क्या देश इतना कमजोर है कि एक ट्वीट से उसकी सुरक्षा खतरे में आ जाती है। न सिर्फ सिब्बल बल्कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की बेचैनी उनकी पोल खुलने की तरफ इशारा कर रही है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर भी अब सियासत गर्मा रही है। न सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा बल्कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि बिल्कुल शर्मनाक, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से जुड़ी एक युवा एक्टिविस्ट पर अजीब आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल किसान आंदोलन के समर्थन में ग्रेटा थनबर्ग द्वारा अटैच की गई टूलकिट की तर्ज पर विदेशी ताकतों की भारत के खिलाफ साजिश का खुलासा हो चुका है। इस साजिश के आरोप में पुलिस ने बेंगलुरु से दिशा रवि को गिरफ्तार किया था, जिस पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आनंद शर्मा ने ट्वीट कर विरोध जताया है। आनंद शर्मा ने ट्वीट में लिखा, युवा महिला की गिरफ्तारी हैरान करने वाली है। बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड के किसी युवती से हिरासत में पूछताछ उचित नहीं हो सकती। पुलिस को स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देनी चाहिए और कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए, जो कहता है कि बेल नियम और जेल अपवाद है। सिर्फ आनंद शर्मा ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम ने भी दिशा रवि की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, मैं दिशा रवि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं और सभी छात्रों और युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे सत्ता पक्ष के खिलाफ विरोध के लिए आवाज उठाएं। इसके अलावा शशि थरूर सहित दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने भी दिशा के समर्थन में बयानबाजी की है। वहीं दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा ने भी दिशा रवि की गिरफ्तारी की निंदा की है और उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की है। मोर्चा ने चेतावनी दी कि लोग उन्हें इस तरह के अहंकार के लिए एक दिन सबक सिखाएंगे। बता दें कि दिशा की गिरफ्तारी के बाद निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, क्योंकि ये दोनों भी टूलकिट मामले में शामिल हैं। इससे पहले टूलकिट मामले को लेकर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये सब टूल एक ही किट के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन विपक्ष और किसान संगठनों का इस तरह देशद्रोहियों का समर्थन करना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिशा रवि के खिलाफ पुलिस ने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, बल्कि अदालत में दिशा रवि ने अपना गुनाह कबूल भी किया है कि उस टूल किट में उन्होंने दो लाइनें एडिट की थी। ऐसे में विपक्ष और किसान नेताओं का कहना कि दिशा बेकसूर है, ये सरासर गलत है। साथ ही उनके इस बयान से साबित होता दिख रहा है कि भारत विरोधी गतिविधियों में ऐसे देशद्रोहियों को विपक्ष और फर्जी किसानों का पूरा समर्थन है। किसान आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है। इसका खुलासा जांच एजेंसियों ने किया है। किसान आंदोलन को कनाडा और अमेरिका में बैठे खालिस्तानी समर्थक ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन भारत में कुछ खालिस्तानी समर्थक बैठे हुए हैं जो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें से ही एक है बेंगलुरु की रहने वाली दिशा रवि। दिशा रवि जांच एजेंसियों के निशाने पर बहुत दिनों से ही थी और अब दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोप लगाया कि भारत के खिलाफ वैमनस्य फैलाने के लिए रवि और अन्य के खालिस्तानी समर्थक समूह पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ साठगांठ की। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर दावा किया कि ग्रेटा थनबर्ग के साथ टूलकिट साझा करने वालों में से रवि भी एक थी। पुलिस ने कहा कि भारत सरकार के खिलाफ कथित तौर पर बड़े स्तर पर साजिश रचने और खालिस्तानी आंदोलन में भूमिका को लेकर जांच करने के लिए हिरासत की आवश्यकता है। हालांकि दिशा रवि की गिरफ्तारी पर विपक्ष ने सियासत शुरू कर दी है। केजरीवाल से लेकर कांग्रेस के नेता बिल से बाहर निकलकर मोदी सरकार पर हमला शुरू कर दिए हैं। दिशा रवि की गिरफ्तारी का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला बताया है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 21 वर्षीय दिशा रवि की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला है। अपने किसानों का समर्थन करना अपराध नहीं है। उधर अब इस मामले में कांग्रेस भी कूद गई है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने दिल्ली पुलिस द्वारा टूलकिट मामले की जांच में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी की निंदा की है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की साइबर सेल टीम ने कृषि कानूनों से संबंधित किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर टूलकिट दस्तावेज जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग से साझा करने के लिए दिशा को शनिवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। हालांकि भारत के खिलाफ ग्रेटा थनबर्ग के साजिश रचने का पर्दाफाश पहले ही हो चुका है और अब दिशा रवि भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। ऐसे में आखिर क्या है किसान आंदोलन का मकसद और इसके पीछे और कौन कौन लोग शामिल हैं? दिशा रवि की गिरफ्तारी से आंदोलन की सच्चाई सामने आ सकती है। पिछले 81 दिनों से किसान आंदोलन जारी है, लेकिन इस आंदोलन में कैसे कुछ ताकतें भारत का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं, इस बात का खुलासा सरकार धीरे धीरे कर रही है। किसान आंदोलन के नाम पर फर्जी किसान आंदोलनकारियों को निपटाने की तैयारी सरकार ने कर ली है, जिससे राकेश टिकैत समेत दूसरे नेता बेचैन हो गए हैं। दरअसल टूलकिट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद फर्जी किसान नेताओं में हड़कंप मच गया है। उन्हें भी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। ऐसे में वो लोगों को भड़काकर दिशा रवि की रिहाई की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के करनाल में किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत बोले कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम केंद्र को चैन से बैठने नहीं देंगे। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र के ये कानून जन वितरण व्यवस्था को खत्म कर देंगे। ऐसे में हम भूख के कारोबार को मंजूरी नहीं मिलने देंगे। कक्का जी के नाम से मशहूर शर्मा संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष हैं। कक्का जी ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर सरकार वाकई अन्नदाताओं की चिंता करती है तो उन्हें इन कानूनों को वापस लिए जाने की हमारी मांग मान लेनी चाहिए। ट्विटर पर टूलकिट साझा करने वाले मामले पर भी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम राष्ट्रवादी हैं। हम नए कृषि कानूनों का मसला अपने देश में सरकार के साथ मिलजुल कर सुलझा लेंगे। हमें इस मामले में बाहरी ताकतों की दखलअंदाजी कतई बर्दाश्त नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने सचिन पर भी तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने कौन सी खेती की है और वो आखिर किसानों के बारे में जानते ही क्या है। किसान नेताओं का एक तरफ विदेशी शख्सियतों की आलोचना करना और उसी वक्त भारत के दिग्गजों का मजाक उड़ाना, ये दोनों पहलू किसान आंदोलन को एक अलग ही एंगल दे रहा है, क्योंकि ये किसान ऐसा बयान जारी करके अपने दोगलेपन और किसानों के नाम पर फर्जीवाड़े को साबित करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना यही है कि इन फर्जी किसान नेताओं को सरकार कब तक धर दबोचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।